अबू बूठिए, फजर का वक्त हो गया है। वो काका सेठ का पैकेट पहुंचा देना टाइम पर। चिराग तले अंधेरा। अरे खानदानी दर्जियों की औलाद होकर तुम ये फटी हुई पतलून पहने फिरते हो। अब तो पतलून भी रफू से पनाह मांगने लगी है अब्बू। कितनी दफा तो सिलवा चुका हूँ। रफू अगर कायदे से किया हो तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप दादा से अगर कुछ सीखा होता ना, आज ये नौबत नहीं आती। 24 घंटे ये फिजूल कैमरा गले में लटकाकर तुम जो ये इधर से उधर से इधर भटकते रहते हो, तुम्हारी अम्मी अगर होती ना। खैर छोड़ो, लाओ वो मेरा छाता मुझे दे। ये लीजिए, कभी आप भी तो अंदर आ सकते हैं। छतरी अगर तुम मेरे कमरे में रख दिया करो तो बेहतर होगा। मेरी अम्मी की चीज़ें मेरे कमरे में ही रखी जाएंगी। तो फिर अगली बार से इस सिगरेट या जो भी है ये, इसे बुझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कमरा है, जो मर्जी आए करो।
हेलो, कैसा है? बढ़िया। अच्छा सुन, वो 23 नंबर वाले चोपड़ा साहब है ना, उनकी बेटी की शादी है, तो तू कहे तो मैं बात कर लेता हूँ, फोटो खींचा। यार सोच के बताऊंगा, अभी कंफर्म मत करियो। सोचना क्या है, चोपड़ा साहब है, पैसे अच्छे मिलेंगे। यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, काम में मजा भी तो आना चाहिए। चल अकरम भैया, एक कप चाय तो ले लीजिए। अरे नहीं मोमिन भैया, मन तो बहुत है मगर ये लबे इश्क जो साथ है फिर पियेंगे। देखा नवाब बने फिर रहे हैं, ये में पैसे नहीं है चाय के लिए। हो गया भैया, रियान भैया आया है। और भाई रियान क्या हाल है? तू मुंबई से कब आया? परसों ही आया यार, मिले नहीं यार। अरे भाई तुम ठहरे बड़े आदमी, अब तुम्हें अपनी फोटोग्राफी से फुर्सत मिले तो ही तो तुमसे मिल पाएंगे। भाई जहाँ पेंटिंग देखते हैं रुक जाते हैं। वे आना नहीं, वो पेंटिंग्स बदल गई है ना, इसलिए देख रहा था। बैठ और बता, शादियों में फोटोग्राफी कर रहे हो, पैसे वैसे मिलते हैं? हाँ यार, शादियों में शराबी अंकलों की फोटोज खींच खींच के ना थक गया हूँ। अबे मेरे शादी की फोटो तो तू ही लेगा भाई, लेकिन सुन पैसे नहीं दूंगा। अबे ये क्या है? ये तुम लोगों के कपड़े हैं। बेटा हो गया इतनी जल्दी? जी हो गया। ओ मैं तो भूल ही गया था कि आप अकरम भैया सुबह में ही घर पे काम करते होंगे। नहीं, अब्बू तो रोज सुबह दुकान पर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मकसूद भाई कैसे, खैरियत से हैं? दुआ है आपका। आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं आप आराम कीजिए भाईजान, मैं कर रहा हूँ। मैंने तो सुना था अफजल मियाँ से कि उन्होंने उनकी आंखों की वजह से उनको काम से निकाल दिया गया है। पता नहीं, हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हुई हो। अरे भाई अब तो पूरा दिन आराम ही फरमाता हूँ, कोई काम ही नहीं। अरे काम कैसे नहीं है भाईजान, तो आपका चेला, आप तो बहुत बड़े उस्ताद हैं। अग्रवाल हुआ, काका सेठ हुआ, उनका काम कोई रोज थोड़ा ही आता है। तो आप क्या करने का सोच रहे हो? काम के बिना खाली बैठा तो खुदा के यहाँ दस्तक दे दूंगा। आधी से ज्यादा जिंदगी तो इसी दुकान में ही बीती है। एमएफ हुसैन साहब का कोट मैंने बनाया था। हमारे घर में भी तो बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हैं, उनको बेचना चाहो तो बताना, बहुत सारे शौकीन हैं, पैसे अच्छे मिलेंगे उनके। ये लड़का कौन है भाई? जान हम बोलना नहीं चाहते हैं, मंजूर भाई आपके जगह पे इनको रखे हैं, ठीक है ना? किसी की नाव को तूफान ने रख के आग दिया, और किसी की नाव किनारे इसी बहाने लगी। कोई किसी की जगह ले सकता है क्या? ये तो मेरे बेटे जैसा ही है, मेरे लड़के को भी तो रख सकता था। अल्लाह जाने क्या करेगा वो जिंदगी में। अगर तुम चाहो तो मेरी हार्डवेयर की दुकान में काम कर लेना। जी मशवरे के लिए शुक्रिया, चलता हूँ।
मार्केट में ये पेंटिंग्स कितने की बिक जाएंगी? पहले लेके तो आओ, फिर देखते हैं। भाईजान रेहान तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, मैं तो देखा हूँ उसका काम। जनाब, हराम काम की वकालत कर रहे हैं आप। दुनिया बदल गया है भाईजान, अब वो दौर नहीं रहा। कुछ नहीं बदला है। राव, क्या है ये? आप मेरा फोटो ले रहे थे? जी। क्यों? आपने पूछा मुझसे? जी, फोटो ही ले रहे थे, इसमें खराबी क्या है? आप चाहें तो देख लें। मुझे कोई शौक नहीं है, और आइंदा किसी का फोटो लेने से पहले उसकी इजाजत ले लेना। सुनो जी, मेरा बेटा भी फोटोग्राफी करता है जी, उसके पास भी कैमरा है ऐसा ही, लेकिन इसमें फ़ोटो फौरन आ जाती है जी। ये डिजिटल है ना? अच्छा अच्छा, उसके पास जो कैमरा है उसमें शायद फ़ोटो फौरन नहीं आती है। ये बहुत महंगा है क्या? थोड़ा सा तो महंगा हो ही जाता है। इस काम के लिए आप बता रहे थे वो अभी भी है क्या? काम तो है, इसके लिए आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। क्या आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं? लाइए, मुझे दीजिए। अरे श्याम चाचा। रेहान बेटा। श्याम, ठीक हो? चाचा की कुर्सी लेके आ जी। करने कैसे हैं आप? बस ठीक है, बहुत दिनों के बाद याद आई। अरे बस ऐसे फंसे हुए थे। सब खैरियत? शांति की तबीयत ठीक है आप? अरे भाई जान, उसी के चक्कर में तो मैं नहीं आ पाया इतने दिनों तक। क्यों, फिर से क्या हुआ? अरे भाई, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा था तो दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। और रेहान बेटा, सब खैरियत? अरे इसका क्या है, सारा दिन फोटोग्राफी और पेंटिंग बस, और कोई काम ही नहीं। अकरम मियां, रेहान आर्टिस्ट है। मुझे अगर मालूम होता कि ये जनाब ऐसा गुल खिलाने वाले हैं तो मैं इन्हें कभी कैमरा लेकर के ही नहीं देता।
अकरम भाई, कभी आपने उसकी तस्वीरें देखी हैं? कितनी प्यारी फोटो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो इसके कमरे में भी नहीं जाता, हर वक्त उसी नशे में रहता, पेंटिंग और कैमरा बस। तो और क्या करूं, जिसे जो अच्छा लगता है वही करेगा ना। मुझे आपकी तरह दर्जी नहीं बनना है, मुंबई जाना है, फोटोग्राफी करनी है। अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे दादा जान ने पंडित मोतीलाल नेहरू के कपड़े बनाए थे और मैंने एमएफ हुसैन। नहीं बनाना मुझे एमएफ हुसैन का कोट, बाहर जाना है मुझे अपने दोस्तों की तरह। ठीक है चले जाना। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे और चाचा के लिए पान लेकर आ जा। बेच दिया मैंने वो पानदान। बेच दिया? क्या मतलब, किसको बेच दिया, पागल हो गया क्या तू? घर में खर्च के पैसे नहीं है, घर कैसे चलेगा? अभी मैं जिंदा हूँ, तू खुद को संभाल, काम पर जाता हूँ मैं। मियां पहले अपने घोड़े को संभालो, ये घोड़ा और ये शहर। बेटा रेहान, ये जो सब कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, ये सच है क्या? मेरी नज़रों में तो कुछ भी नहीं बदला है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है? अब कल भी काम पर जाएंगे? हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि मैं काम पे ना गया हूँ? अब्बू, अब आपको देखने में दिक्कत होने लगी है, अब थोड़ा आराम नहीं कर सकते? तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। क्या शोर है? अब्बू, वो लाल बटन दबाएं, उससे आवाज़ बंद हो जाएगी। अब आज से यही आपको फजर की नमाज के लिए उठाएगा। मैं कुछ महीनों में लौट आऊँगा, आप बेफिक्र रहिएगा। मैं नहीं चाहता कि हम इतना मजबूर हो जाएं कि हमें आपका पानदान बेचना पड़े। और हाँ, कुछ नहीं बदला है, अगर आपकी नजरों से देखा जाए तो। खुदा हाफिज़।